आप सबको मेरा नमस्कार। मदर्स डे के उपलक्ष्य में वसुधा कॉन्टेस्ट में आप लोगों ने जो जिस जोशो खरोश के साथ पार्टिसिपेट किया और उसको एक ग्रैंड सक्सेस बनाया, उसके लिए मैं इको रूट फाउंडेशन और उसकी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वसुधा के कॉन्टेस्ट में बच्चों का टैलेंट और माओं का उनके प्रति प्यार देख के वाकई बहुत अच्छा लगा, और आपने जितने लाइक्स और अच्छे अच्छे कमेंट्स करे उससे मैं और मेरी टीम इतने प्रोत्साहित हुए हैं कि हम आपको बता नहीं सकते कि हमारा मन ये कर रहा है कि फिर दोबारा से कोई जल्दी कॉन्टेस्ट करें जिसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करें। वैसे तो आप सभी विनर हैं, लेकिन सोशल मीडिया की लाइक्स और बेसिस के आधार पर आज हमने टॉप 4 को चुनना था, और हमेशा से ये बड़ा मुश्किल काम रहा है। जब बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेज और उसमें से कुछ कुछ चुनना होता है, ये बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हमें अनाउंस करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने उसमें से 4 टॉप विनर्स को चुना है। चलिए, वो समय आ गया कि मैं उन चारों के नाम अनाउंस करूं। तो पहला नाम है मेघना और रश्मीत, 453 व्यूज़। उसके बाद मृदुला और आशी, 387 व्यूज़। स्वाति एंड परिशा, 269 व्यूज़। संगीता और जॉय, 190 व्यूज़। कमाल है। कोविड के कठिन दौर में जब बच्चे घर से बाहर नहीं जा पा रहे, बच्चे तो क्या बाहर, बड़े भी नहीं जा पा रहे हैं, और इतना कठिन समय है, लेकिन उस समय मुझे लगता है कि इको रूट्स का ये प्रयास एक बहुत अच्छा आप लोगों के साथ एक साझा अनुभव रहा, और हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में भी, इस समर में भी एक छोटा सा कैंप हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें आप लोग खूब अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हमें चाहिए कि इस समय अपने आप को बिल्कुल सेफ रखें, बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं, हाथों को अक्सर धोते रहें बीच बीच में जब भी मौका मिले, और कोशिश करें कि बाहर ना जाएं। जितना कम जाएंगे उतना हम इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। बाकी शायद खुदा हम सब लोगों को संभाल के रखेगा, और हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे और एक बहुत अच्छे प्रोग्राम के अंदर फिर पार्टिसिपेट करने का मौका आपको देंगे। धन्यवाद। ये प्यार और ये विश्वास इको रूट फाउंडेशन और हमारी टीम के साथ हमेशा बनाए रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।